فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ان الدین عند اللہ الاسلام. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی, اسلام مذہب, الہی پیغام, ایک دین, ایک قانون, ایک اصول, جو بھی آپ کہہ لیجئے, جس لفظ کا چاہے استعمال کر لیجئے, مختصر یہ ہے کہ یہ قانون ہیں, یہ اصول ہیں, یہ بائی لاز ہیں, اور اس کو لے کر کے انبیاء, اللہ کے منتخب کردہ بندے ہماری ہدایت کے واسطے آتے رہے. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا, ہمارے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہے وہ سلسلہ ہدایت کے عنوان سے ہے. مسلسل پہلی رات سے, یعنی چاند رات سے آپ کی خدمت میں ایک سلسلہ شروع ہوا جو منزل بمنزل آگے بڑھتا ہوا اپنی اب ان منزلوں کی جانب آ رہا ہے کہ جہاں پر یہ ہدایت کا سلسلہ, رہبری کا سلسلہ, وہ جو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہیں, وہ جو نبی ہیں, وہ جو رسول ہیں, ان سے اللہ کے ان منتخب کردہ بندوں میں مل جائے گا کہ جو امام ہیں. میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا جناب عیسیٰ کے تعلق سے. بات یہاں پر آ کے تمام ہوئی کہ جناب عیسیٰ نے گہوارے میں اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دی. جناب عیسیٰ نے گہوارے میں فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے. یہ امت جو جناب عیسیٰ کی گواہی کو قبول کر گئی, جس نے جناب عیسیٰ کی گواہی کو مان لیا, مریم کی پاک دامنی کی جانب جو انگلیاں اٹھی تھیں وہ نیچے گر گئیں. مریم پاک دامن تھیں, پاک دامن ہیں, پاک دامن رہیں گی. مریم معصومہ ہیں, یہ میں کل عرض کر چکا, لیکن بات آگے بڑھتی ہے. جناب عیسیٰ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, جن کے باپ نہیں ہیں, جن کی ماں معصومہ ہیں, کائنات عالم و آدم میں جناب عیسیٰ وہ معصوم بندے ہیں جن کی ماں تو معصومہ ہیں مگر ان کے باپ نہیں ہیں. جناب عیسیٰ کو اللہ نے کچھ معجزات عطا کیے. ان معجزات میں یہ معجزہ بھی تھا کہ مبعوث لایا جاتا تھا, بیمار لایا جاتا تھا,
जनाब ईसा उसके बर्स पर, उसके जिस्म पर, उसकी बीमारी पर हाथ फेरते थे और उसको सेहत मिल जाती थी, उसको शिफा मिल जाती थी। बीमार लाया गया, जिस्म पर हाथ फेरा, बर्स पर हाथ फेरा, उसका बर्स, उसके वाइट पैचेस, उसके सफ़ेद दाग, ये दूर हो गए, वो ठीक हो गया। उसके अलावा और भी जनाब ईसा के मौजिज़ात थे, जिन मौजिज़ात में एक मौजिज़ा ये है कि जनाब ईसा ने मुर्दे को ज़िंदा किया। मुर्दा जनाब ईसा के सामने लाया गया, जनाब ईसा ने नमाज पढ़ी, अल्लाह की सरकार में दुआ के वास्ते हाथ बुलंद किए और फरमाया कि कुम्बे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जा, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। मुर्दा अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता था, मुर्दा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जाता था। लेकिन हम अज़ीज़ाने गिरामी तारीख में ढूंढते हैं, तारीख में तलाश करते हैं, उलमाए इस्लाम की गाढ़ी गाढ़ी तकरीरें सुनते हैं, मगर आज तक हमें कहीं न ये देखने में मिला न सुनने में मिला कि किसी ने ये कहा हो कि हमारी समझ में नहीं आता कि हाथ फेरने से बीमार कैसे सेहतयाब हो जाता है, हाथ फेरने से शिफा कैसे मिल जाती है। अरे बीमार है, ईसा ने हाथ फेरा, बीमारी दूर हो गई, वो सेहतयाब हो गया। मुर्दा लाया गया, ईसा ने नमाज पढ़ी, दुआ की, मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। न किसी को हैरत है, न किसी को परेशानी है, न किसी के जहन में कोई वहम और गुमान है। अरे साहब, आप अल्लाह वालों के सिलसिले में ऐसी बात सोचें? अस्तग़फिरुल्लाह, माज़ल्लाह माज़ल्लाह। अरे ईसा, अल्लाह के बंदे, नबी अल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, बेशक अगर अल्लाह चाहे तो कैसे नहीं हो सकता है, ऐसी ऐसी बातें। तो चलिए, आपने एक बात मान ली कि ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। अगर रूहुल्लाह किसी बीमार के जिस्म पर हाथ रख दे तो उसकी बीमारी दूर हो जाए, अगर रूहुल्लाह किसी मुर्दे के वास्ते दुआ कर दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। ईसा को सिर्फ टाइटल मिला है ईसा को कि ईसा रूहुल्लाह हैं, ईसा रूहुल्लाह हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो रूहुल्लाह है उसके तो मौजिज़ात समझ में आते हैं, जो सरापा इसके हाथ यदुल्ला, जबान लिसानुल्ला, कान उजनुल्ला, चेहरा वजुल्ला, नफ्स नफ्सुल्ला हो और जो पैदा ही बैतुल्ला में हुआ हो, अगर हम उसके मौजिजात बयान करते हैं तो आप कहते हैं हमारी समझ में नहीं आता, हमारी अकल काम करने नहीं करती। अरे साहब, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि किसी को एक ठोकर मारी जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, ये मौजिजा कैसे हो सकता है, वो मौजिजा कैसे हो सकता है? अरे जो रूहुल्लाह हो, जो रूहुल्लाह हो उसके मौजिजात तो समझ में आते हैं, जो मौलूद बैतुल्लाह हो, जो मौलूद बैतुल्लाह हो, अली मौलूद बैतुल्लाह हैं, अली मौलूद काबा हैं, अली अल्लाह के घर में पैदा हुए। हमें नहीं मिला कि किसी शख्स ने यह कहा कि साहब, अरे हमारी अकल में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। देखिए, अगर आदमी की समझ में आ रहा है तो अलिफ से ये तक हर बात समझ में आना चाहिए है, अलिफ से ये तक हर बात समझ में आना चाहिए। लेकिन आपको शुरू का सबक तो समझ में आया और बाद के मामलात में आपकी अकल काम नहीं करती, इसका मतलब यह है कि आप धोखा दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप गुमराह कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो लोग जो राह हिदायत पर आ रहे हैं,
आप उनको राय हिदायत से भटकाना चाहते हैं, राय हिदायत से दूर करना चाहते हैं। इस वास्ते कि देखिए कुरान में 124,000 नबी, 124,000 नबी हैं, मगर कुरान में 124,000 नबियों का जिक्र नहीं है, 124,000 नबियों के नाम नहीं है, 124,000 नबियों के वाकयात नहीं है। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ाने गिरामी, हम मुसलमान की हैसियत से मानते हैं कि आदम से खातम तक 124,000 नबी हैं, मगर कुरान में कहां है 124,000 के नाम, कुरान में कहां है 124,000 के वाकयात, कुरान में कहां है 124,000 के किस्से, कुरान में कहां है 124,000 का जिक्र। चंद नबियों के वाकयात हैं, चंद नबियों के किस्से हैं, चंद नबियों की बातें हैं, मगर जब हमने उन नबियों के वाकयात को देखा, उन नबियों के वाकयात को पढ़ा, तो हमारी समझ में यह आता है कि जैसे कोई किताब हो और किताब में एक है प्रीफेस, एक है तमहीद और उसके बाद असल है, शायद शायद हमारी समझ में यह आता है कि कुरान में अल्लाह ने आलम इस्लाम को, मुसलमानों को अंबिया के वाकया सुना के झिंझोड़ दिया है कि देखो अगर ये वाकया तुम्हारी समझ में आते हैं तो आले मोहम्मद के मौजिजात को समझ में नहीं आते, उनके मौजिजात को तुम्हारी समझ में नहीं आते, वो क्यों तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरते, अगर ये समझ में आ रहा है तो वो क्यों नहीं समझ में आता। एक चीज समझ में आए, दूसरी चीज ना समझ में आए, इसका मतलब यह है कि जानबूझ के आप ना समझ बने हुए हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये मौजिज़ा है जनाब ईसा का कि बीमार सेहतयाब होता था, बीमार को शिफा मिलती थी, मुर्दा जिंदा होता था। ये जमाना है जनाब ईसा का जहां मुर्दा जिंदा हुआ, और जब जमाना आगे बढ़ा और दुनिया आले मोहम्मद के दर तक आई और वो दौर भी आया कि जो दौर, जो जमाना, जो वक्त अली जिब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दौर और जमाना था, इस वक्त में भी लोग मरते थे, इस वक्त में भी लोगों की रूहें उनके जिस्मों से निकलती थी। मुझे वाकये को तफसील से नहीं अर्ज करना है, सिर्फ मुझको इशारा करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाना है कि ईसा के सामने मुर्दा लाया गया, ईसा ने दुआ के वास्ते हाथों को बुलंद किया, मुर्दा जिंदा हो गया, जमाना आले मोहम्मद की चौखट तक आया, अली के सामने भी मुर्दा लाया गया, अली के सामने भी मुर्दा लाया गया, ताबूत में मुर्दा लेटा हुआ है कि एक मर्तबा अली ने ठोकर मारी और फरमाया कि कुम बेइज़्ज़नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। तवज्जो चाहूंगा, कुम बेइज़्ज़नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा खड़ा हो गया। आज आप हैरत ना कीजिएगा, अरे के साहब ये आप कैसी बातें पढ़ रहे हैं, ये कैसे वाकयात डिस्कस कर रहे हैं, ये अकल में समझ में आने वाली बातें नहीं हैं। अरे अकल में समझ में आने वाली खूब बातें हैं, इसलिए कि ये बातें कड़ी से कड़ी मिलती है, सिलसिले से सिलसिला मिलता है, बात से बात मिलती है, अहले बैत के वाकयात जाके कुरान के वाकयात से मिल जाते हैं। यहां का इनकार कीजिएगा तो उधर का इनकार करना पड़ेगा, इनके मौजूदात का इनकार कीजिएगा तो कुरानी मौजूदात का इनकार करना पड़ेगा। और जिसने कुरानी मौजूदात का इनकार किया फिर वो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाता है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। अली ने ठोकर मारी
तुम बेइज्जनी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। मुर्दा जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। तो अब जब हमने देखा तो हमें तो बड़ी हैरत हुई, इस वास्ते के जनाब ईसा फरमाते हैं कि कुम्बे इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। मुर्दा जिंदा हो जाता है, मुर्दा खड़ा हो जाता है, नतीजे के तौर पर, रिजल्ट के तौर पर मुर्दा जिंदा हुआ। मौला अली ने ठोकर मारी, फरमाया कुम्बे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से, मुर्दा जिंदा हो गया, मुर्दा खड़ा हो गया। रिजल्ट के तौर पर ईसा ने भी मुर्दे को जिंदा किया, अली ने भी मुर्दे को जिंदा किया। ये भी मुर्दे को जिंदा करते हैं, वो भी मुर्दे को जिंदा करते हैं, मगर दोनों के जिंदा करने के थोड़ा तरीके में फर्क है। दवा तो दोनों देते हैं, मगर दोनों की दवाओं में थोड़ा फर्क है। ईसा ने जो दवा दी वो ये थी कि कुम्बे इज़्निल्लाह, खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से। अली जो दवा देते हैं वो फरमाते हैं कि कुम्बे इज़्नी, खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। रिजल्ट के तौर पर, नतीजे के तौर पर दोनों मुर्दे जिंदा हुए। अब जब नतीजे के तौर पर ये भी जिंदा हुआ, वो भी जिंदा हुआ, ईसा का लाया जिंदा किया हुआ भी जिंदा हुआ, अली का ठोकर मारा हुआ भी जिंदा हुआ, तो हम तो बहुत बात के मुसलमान हैं, हम तो बहुत बात के मुसलमान हैं। हम तो हैरत में पड़ गए कि ये मामला क्या। वो कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, ये कह रहे हैं मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। माबूद पालने वाले, कहीं नुसैरियों का दावा ही तो नहीं सच्चा है? कहीं नुसैरी ये तो नहीं कह रहे हैं जो हक है हो, कि अली बंदे नहीं है, अली खुदा हैं? इसलिए कि जो ईसा ने कहा खड़ा हो जा अल्लाह के हुक्म से कुम्बे इज़्निल्लाह, अली कह रहे हैं खड़ा हो जा मेरे हुक्म से। पालने वाले ये मामला क्या है? अरे शायद जवाब परवरदिगार के इतने जल्दी बहके जा रहे हो, इतने जल्दी लड़खड़ाए जा रहे हो, ना गौर किया, ना मामलात को देखा, ना मामले को समझा, ना तारीख में तुमने नजर डाली, ना वाकयात को तुमने देखा, ना गौर किया, ना पढ़ा, और उसके बाद तुम्हारे कदम लरजने लगे और कांपने लगे और भटकने लगे। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ाने गिरामी, इन्होंने भी मुर्दे को जिंदा किया, उन्होंने भी मुर्दे को जिंदा किया, मगर मामला समझिए बड़ा नाजुक मामला है, बड़ी पेचीदा बात है। मैं बहुत ज्यादा आपकी तवज्जो चाहता हूं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं कि देखिए, बेशक जिंदगी और मौत का खालिक अल्लाह है, जिंदगी भी अल्लाह के कंट्रोल में है, मौत भी अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें किसी का इख्तियार नहीं है। आदमी मरता है वो भी अल्लाह ही के हुक्म से, जिंदा होता है वो भी अल्लाह ही के हुक्म से, मौत भी आती है अल्लाह ही के हुक्म से, जिंदा होता है अल्लाह ही के हुक्म से। जब अल्लाह के हुक्म से जिंदा हुआ तो ईसा ने जब मुर्दे को जिंदा किया, जब ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया तो मर्जी है परवरदिगार, परवरदिगार के पास थी। और जब अली ने मुर्दे को जिंदा किया तो नफ्स के बदले सौदा हो चुका था, नफ्स अली उधर जा चुका था, उसकी मर्जी इधर आ चुकी थी। मर्जी है परवरदिगार के मालिक अली हो गए थे। अब ये ना कहिए कि अली ने खुद से मुर्दे को जिंदा किया, बल्कि ठोकर मारी है, मर्जी है परवरदिगार है, मुर्दा जिंदा हो रहा है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये मंजिल है खुदा की कसम, ये जनाब ईसा जो आज जिंदा हैं, आज चौथे आसमान पर हैं, हमारी समझ में नहीं आता कि ईसा जिंदा हैं
तो क्यों जिंदा हैं? इनके जिंदा रहने की वजह क्या है? इनको अल्लाह ने जिंदा क्यों रखा? अगर जिंदा हैं तो ईसा के वजूद का फायदा क्या है? जिंदगी का इनकी फायदा क्या है? अगर आप ये सवाल कीजिए तो लोग चीखने लगेंगे, घेर लेंगे आपको, पूरे जिस्म की एक एक बोटी नोच लेंगे। क्या आप कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं, अल्लाह जिंदा रखे हुए इस वास्ते जिंदा हैं। अरे भाई, दीन अल्लाह का है, नबी अल्लाह का है, भेजा हुआ अल्लाह का है, जिंदगी और मौत भी अल्लाह ही के अख्तियार में है। अल्लाह जिंदा रखे है इस वास्ते जिंदा रखे हैं। तो अगर ईसा को अल्लाह जिंदा रख सकता है तो क्या मोहम्मद के आखिरी जानशीन फखरे ईसा को अल्लाह ना जिंदा रखेगा? अगर ईसा की जिंदगी समझ में आती है तो क्या उसकी जिंदगी समझ में नहीं आती जिसके पीछे आके ईसा मुसल्ला बिछाएंगे, जिसके हाथ पर ईसा आके बैत करेंगे, जिसके लिए चौथे आसमान से उतर के आएंगे? बहरहाल कि जनाब ईसा की मंजिल है। सिलसिला आगे बढ़ रहा है अज़ीज़ाने गिरामी, और तारीखें भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही हैं। जनाब ईसा के बाद अब मंजिल वहां पर आती है कि जहां पर बहुत अदब के साथ, बहुत एहतराम के साथ नजरें जाकर ठहर जाती हैं और रुक जाती हैं। इंसानी जिस्म कांपने लगता है, जिस्म को राशा और कपकपी सवार हो जाती है, इसलिए कि अब मंजिल उसकी है कि जो कायनात का सबसे बड़ा है, जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा है, वो जिसने फरमाया कि अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। सबसे पहले जिस शय को खल्क किया वो मेरा नूर था, लेकिन अल्लाह ने सबसे पहले खल्क करके सबसे आखिर में भेजा। बनाया तो सबसे पहले, कब खल्क किया? जब न जमीन थी, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न हवाएं, न फजाएं, न खलाएं, न फरिश्ते, न मलाइका, न इंसान, कुछ भी नहीं है। न दिन है, न रात है, न सुबह है, न शाम है, न वक्त है, न जमाना है। अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। कुछ नहीं है, नूरे मोहम्मद है, नूरे मोहम्मद है। और उसके बाद सबसे आखिर में भेजा, खल्क किया सबसे पहले, भेजा सबके आखिर में, भेजा सबके बाद। पालने वाले, अगर सबके आखिर में भेजना था तो तूने सबसे पहले खल्क क्यों किया? जब 1,23,999 मंजिलें गुजारने के बाद भेजना था तो मालिक तू है, खालिक तू है, भेजने वाला तू है, पैदा करने वाला तू है। आज भी खलकत पर तू मालिक है, इख्तियार रखता है, कल भी खलकत पर तू ही इख्तियार रखता है। तूने पहले खल्क करके बाद में क्यों भेजा? क्या वजह है? शायद जवाब परवरदिगार आए कि सुनो सुनो, मैंने 1,24,000 तस्वीरें बनाई हैं। 1,24,000 में जो सबसे अच्छी तस्वीर है, जो सबसे बड़ी तस्वीर है, जो सबसे मोहतरम तस्वीर है, जो सबसे बड़ी तस्वीर है, मुअज्जज तस्वीर है, उस तस्वीर को मैंने सबसे पहले बनाया।
और पहले बना के उसको हिजाब में रख लिया, भेजा सबके बाद में। अगर मैं पहले ना बनाता तो कल का इंसान ये कहता कि 1,24,000 तस्वीरें बनने के बाद आखिरी तस्वीर इतनी बेहतरीन बन जाए तो इसमें हैरानी की क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है, इसमें फिक्र करने की क्या बात है, हाथ संभल गया। राइटर, मौर्रिख, पेंटर, आर्टिस्ट, मुसव्विर, इसका हाथ संभल गया, लिहाजा अब इतनी अच्छी तस्वीर बन गई तो परेशानी की क्या बात है। शायद जवाब परवरदिगार आए, इसीलिए हमने सबसे पहली तस्वीर को सबसे अच्छा बनाया ताकि कल को कोई ये ना कह दे कि सबसे आखिरी तस्वीर सबसे अच्छी बनी है। का देखो, सबसे पहले बनाएंगे, सबसे अच्छी बनाएंगे, भेजेंगे सबसे आखिर में, भेजेंगे सबके आखिर में। और ये ना कहना कि आखिरी तस्वीर एक बनी है, एक जैसी दूसरी ना बन सकी, एक जैसी दूसरी ना बन सकी, एक जैसी एक नहीं बनाएंगे, एक जैसी 12 बनाएंगे, एक को एक से मिला के देख लो, ना अंदाज बदलेगा, ना लहजा बदलेगा, ना रफ्तार बदलेगी, ना गुफ्तार बदलेगी, ना इल्म बदलेगा। तब ही तो मोहम्मद ने कहा कि अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। इसीलिए तो हुजूर सरवरे कायनात की यह हदीस आवाज दे रही है कि सब कुल के कुल मोहम्मद हैं, एक जैसी एक ही तस्वीर नहीं है, इस जैसी 12 तस्वीरें और हैं, मिला के देख लो, मिला के देख लो, टैली कर लो, ना इल्म से इल्म बदलेगा, ना अखलाक से अखलाक बदलेगा, ना किरदार से किरदार बदलेगा, ना सीरत से सीरत बदलेगी, ना अंदाज से अंदाज बदलेगा, ना लहजे से लहजा बदलेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मंजिल है खुदा की पसंद। रसूल को सबसे आखिर में भेजा, वो जिसके सदक़े में कायनात को खल्क किया, जिसके सदक़े में जमीन व आसमान को खल्क किया, अल्लाह ने उसको सबसे आखिर में हमारे दरमियान भेजा। और फिर इस खाकदान आलम में वो आया, वो नूर चमका जिसकी रोशनी सुबह कयामत तक के रहेगी, जिसका नूर, जिसकी बरकत सुबह कयामत तक रहेगी। अज़ीज़ाने गिरामी, ये रसूल हैं जिनके मौजज़ात हैं। देखिए, अल्लाह ने जो अपने खास बंदों को भेजा है तो यूं ही नहीं भेजा, बल्कि इनको मौजज़ात के साथ भेजा, इनको मौजज़ात के साथ भेजा, इनको निशानियों के साथ भेजा, यूं ही नहीं भेजा। अगर मौजज़ा ना हो तो मामला ही बेकार है। इनको ताकत दी है, इनको पावर दी है, इनको मौजज़ा दिया है। रसूल का मौजज़ा यह था कि अगर नर्म जमीन पर चलते थे तो उस पर पाए मुबारक के निशान नहीं बनते थे, और जब पत्थर पर चलते थे, सख्त जमीन पर चलते थे, तो उस पर पाए अकदस के निशानात बन जाते थे। सर पर हर वक्त एक अब्र था जो साया किए रहता था। दरख्त ताजीम के वास्ते झुक जाते थे, संग्रेजे हाथों पर तस्बीह करते थे। ये रसूल के मौजज़ात हैं। और उसके अलावा कभी कभी अगर कोई मौजज़ा देखने की ख्वाहिश करे और उसके बाद उस मौजज़े से हक की हक्कानियत को साबित करने की बात आए
और इनके पास मौजिजा न हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चुनांचे तारीख में है कि अबू जहल, उसने एक मौके पर एक फरमाइश की, मुसलमान नहीं हुआ, कलमा नहीं पढ़ा, ईमान लेके नहीं आया। एक रात थी जहां पूरी तरीके से चांद चमक रहा था, चौदहवीं रात का चांद था, पूरी अपनी आबो ताब के साथ जौफिगन था, रोशनी दे रहा था कि एक मर्तबा अबू जहल कहता है कि आए अब्दुल्लाह के बेटे, अगर तुम इस चांद को दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में तकसीम कर दो तो हम अभी कलेमा पढ़ लेंगे, हम अभी मुसलमान हो जाएंगे, हम तुम्हारी बात मानने लगेंगे। अब आप बताइए कि ये अबू जहल का कहना कि अगर तुम चांद को दो कर दो तो हम मुसलमान हो जाएं, अगर तुम चांद को दो हिस्सों में तकसीम कर दो तो हम कलमा पढ़ लें, हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, हम तुम्हारी बातों को मानने लगें, अब अगर रसूलुल्लाह मौजिजा ना दिखाएं, यह काम ना कर पाएं, तो उसकी बात तो अपनी जगह बरकरार रहेगी कि अगर तुम ऐसा कर देते तो ऐसा हम कर लेते, अगर तुम चांद को दो कर देते तो हम कलमा पढ़ लेते, अगर चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता तो हम मुसलमान हो जाते। अब पहचानिए आप कि हादी कैसा होता है, हादी को कैसा होना चाहिए, सिलसिला हिदायत क्या है, सिलसिला रहबरी क्या है। कि एक मर्तबा अबू जहल ने रसूलुल्लाह पर फरमाइश की, हुजूर सवर कायनात ने अंगुश्त मुबारक का इशारा किया और इधर रसूल ने अंगुश्त मुबारक का इशारा किया और उधर चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ, चांद दो टुकड़ों में बटा और अबू जहल ने जैसे ही देखा कि चांद दो हिस्सों में बट गया, चांद तकसीम हो गया दो हिस्सों में, तो एक मर्तबा हंसता है, मुस्कुराता है, ठट्ठे मारता है, कहता है देखो तो सही, अब्दुल्लाह के बेटे का जादू आसमान पर चढ़ के बोल रहा है। गौर कीजिएगा आप, ये तारीख में वर्डिंग लिखी हुई है अबू जहल की कि अब्दुल्लाह के बेटे का जादू आसमान पर चढ़ के बोल रहा है। तो चलिए अच्छा, अब यहां पर दो नजरिए कायम हुए। एक नजरिया तो यह है कि मौजिजात देखने वाला, मौजिजात मानने वाला, मौजिजात का कायल इंसान, दूसरा अपनी जहालत की बुनियाद पर, अपनी कमिलमी की बुनियाद पर, अपनी नादानी की बुनियाद पर, अपनी गुमराही की बुनियाद पर, समझ बूझ के रास्ता भटकते रहने की बुनियाद पर इंसान मौजिजात का इनकार करता है और उसको जादू से तशबीह देता है कि साहब ये जादू है और अब्दुल्लाह के बेटे का जादू तो आसमान पर चढ़ के बोल रहा है। अब अजीजान गिरामी आप हैरान ना होइएगा कि दुनिया ने आले मोहम्मद के मौजिजात देखे और उसके बाद कलमा क्यों नहीं पढ़ा, इनकी फजीलत के कायल क्यों नहीं हुए, इनके मर्तबे को क्यों नहीं पहुंचाना, इसलिए कि ये सिलसिला जाके अबू जहल से मिल जाता है। जानबूझ के गुमराह होते हैं, समझबूझ के रास्ते से हट जाते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये हुजूर सवरे कायनात की ज़ाते गिरामी है। बस आज बात यहीं पर तमाम, कल इंशाल्लाह आगे बात आपकी खिदमत में बढ़ेगी। आज वक्त तमाम हो रहा है, लिहाजा बात भी तमाम है, इसलिए कि अब वो तारीखें हैं कि जिसमें मसाइब का बयान ज्यादा होना चाहिए, गम का तस्किरा ज्यादा होना चाहिए।
आज सातवीं मुहर्रम का दिन तमाम हो गया, आठवीं रात आ गई। अलतश अलतश अलतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास मारे डालती है। अजीजों, आज की रात हम हुसैन के लश्कर के अलमदार का मातम करते हैं। आज की रात हम तमन्नाए हैदर कर्रार को आंसू बहाते हैं। आज की रात हम उस अब्बास पर गिरिया करते हैं, उस अब्बास का मातम करते हैं जो सकीना का सक्का भी था, जैनब के पर्दे का मुहाफिज भी था, सैदानियों के दिल की ढाड़स भी था। अजीजों, जब तक अब्बास जिंदा रहे, बीबियों का दिल कवी रहा, सकीना मुतमइन थी, प्यासे हैं तो हुआ करें, मेरा शेर सा चचा जिंदा है, सैदानियों को इत्मीनान था, अगर हम प्यासे हैं, दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं, तो कोई बात नहीं, अब्बास मौजूद हैं, अली के बाजू की ताकत और कुव्वत मौजूद है, अली की तमन्ना मौजूद है, जैनब मुतमइन थी कि मेरा पर्दा सलामत है, और हुसैन को इत्मीनान था कि मेरे बाजू की ताकत जिंदा है। अजीजों, शबे आशूर जनाब अब्बास अपने रहवार को हुसैन के खेमों के गिर्द घुमा रहे हैं, खेमों के गिर्द पहरा दे रहे हैं कि एक मर्तबा जुहैर कैन आगे बढ़े, अब्बास को रोका, कहा आका, आपको मालूम है कि आपके बाबा ने किस दिन के वास्ते आपको जखीरा किया था, आपको मालूम है कि एक मर्तबा शेर को जलाल आ गया, गाजी को गैज आ गया, घोड़े की रकाबों पर जोर देके अब्बास ने अंगड़ाई ली और कहा जुहैर, तुम मुझे शजात दिला रहे हो, शजात ना दिलाओ जुहैर, कल मेरा एक काम कर देना, मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाजत दिलवा देना। हां अजीजों, मेरे आका से मुझे लड़ने की इजाजत दिलवा देना, मेरा एक काम कर देना। हाय अब्बास, जिनकी दो तमन्नाएं थी, एक सकीना तक पानी पहुंच जाए, एक हुसैन से लड़ने की इजाजत मिल जाए, ना हुसैन से लड़ने की इजाजत मिल सकी, ना सकीना तक पानी पहुंच सका, अब्बास की दोनों हसरतों पर पानी फिर गया। हां अजीजाने गिरामी, रो लीजिए, गिरिया कर लीजिए, आंसू बहा लीजिए, इसलिए कि आज अब्बास का मातम है, आज वफादार का मातम है, आज अलमदार का मातम है, आज सकीना के चचा का मातम है। सुबह आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का आलम अब्बास के हवाले किया। अब्बास, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, लो अब्बास, ये लश्कर का आलम तुम्हारे हवाले। हां अजीजाने गिरामी, निगाह इमामत देख रही थी, करबला के शहीदों में अब्बास का कद फजीलत औरों से कुछ निकलता हुआ था, औरों से कुछ बुलंद था, तभी हुसैन ने अलमदारी के वास्ते अब्बास का इंतखाब किया, हुसैन ने अब्बास को मुंतखब किया, अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। हां हां, अलम हवाले किया, और एक दोपहर में शजा ने, गाजी ने, अलमदार ने एक बहुत बड़े लश्कर के मुकाबले में एक बहुत छोटे से लश्कर को लड़ाया, जिसमें कुछ जवान हैं, कुछ नौजवान हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ बच्चे हैं, बहुत बड़ा लश्कर था जिसके मुकाबले में अब्बास बहुत छोटे से लश्कर को लड़ा रहे थे। वो छोटा सा लश्कर
तीन दिन से भूखा भी था, तीन दिन से प्यासा भी था, वो लश्कर जो इबादत इलाही से हुसैन की नुसरत में, हुसैन की मदद में, जिसके चेहरे दमक रहे थे, जिनके चेहरों से नूर जाहिर हो रहा था, याद इलाही में, मोहब्बत हुसैन में दुनिया उनकी नजरों से गिरी हुई थी। एक एक मैदान में गया, एक एक लड़ने के वास्ते मख्तल को सिधारा, एक एक का लाशा हुसैन उठा के लाए, कभी अंसार के लाशें उठाए, कभी असहाब की मैयतें उठाई। एक वक्त वो भी आया कि जब हुसैन ने दिल के टुकड़ों के जनाजे उठाए, कभी औन मोहम्मद की मैयतें लाए, कभी कासिम का पामाल जनाजा लेके आए, कभी अब्बास के भाइयों की मैयतें उठाई, और उसके बाद एक मंजिल वो आई कि जब हाथ जोड़ के हुसैन की खिदमत में आए, कहा आका अब मुझे भी लड़ने की इजाजत दीजिए, मौला मुझे भी मैदान की इजाजत दीजिए। हुसैन ने कहा मेरे भाई, मेरे भैया, तुम तो मेरे लश्कर के आलमदार हो, ए भैया मैं तुम्हें कैसे लड़ने की इजाजत दूं। अजब जुमला कह दिया अब्बास ने, अजब बात कह दी अब्बास ने, ए आका, ए मेरे मौला, ए मेरे सैयद सरदार, जहां लश्कर गया है वहीं आलमदार भी जाएगा, वहीं आलमदार को जाने की इजाजत दीजिए जहां लश्कर चला गया। अभी आका और आलमदार के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी कि नन्ही सकीना छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए अलताश अलताश अलताश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास मारे डालती है। हुसैन ने अब्बास को देखा, हुसैन ने सकीना को देखा, हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को देखा, बच्चों की प्यास का अंदाजा लगाया और फरमाया कि मेरे भैया मैं तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा, मैदान में तलवार चलाने की इजाजत ना दूंगा, अगर जाना चाहते हो तो जाओ, जाके बच्चों के वास्ते पानी की सबील करो, हो सकता है कि बच्चों के लिए पानी आ जाए, हो सकता है कि बच्चों के वास्ते पानी आ जाए। लीजिए अब्बास रहवार पर सवार हुए, अब्बास ने झुक के सकीना से मशकीजा लिया, सकीना ने छोटे छोटे हाथ उठा के अपने चचा को मशकीजा दिया। ये चचा और भतीजी की आखिरी मुलाकात हो रही थी, अब इसके बाद न चचा भतीजी से मिल सका, न भतीजी चचा से मुलाकात कर सकी, चचा जाके दरिया पर सो गया, भतीजी जाके शाम के कैदखाने में आराम कर गई। सकीना से मश्क को लिया, लेके चले, एक हाथ में आलम, एक हाथ में नैजा, मश्क सकीना नहर फरात पर पहुंचे, घोड़े को नहर में डाला, मश्क सकीना को तर किया, मश्क में पानी भरा। इसके बाद अब्बास ने पानी को चुल्लू में लिया, हाय 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 हाय, अब्बास पानी चुल्लू में लेते हैं और चुल्लू में लेके दुनिया वालों को दिखा दिया कि देखो पानी अब्बास के इख्तियार में है। पानी पर अब्बास ने अपना इख्तियार दिखाया और उसके बाद चुल्लू में पानी लेके दरिया के मुंह पर मार दिया, कहा ये पानी जिस पर तू पहरा लगाए हुए हो, जो हुसैन के छोटे छोटे बच्चों तक नहीं जाने देते, अब्बास इसको इस लायक नहीं समझता है कि अपने दहन तक ले जाए। प्यासा दरिया में गया, प्यासा दरिया से वापस निकल आया, अब चाहते थे कि सकीना तक पानी पहुंच जाए, खेमों में पानी आ जाए, मगर अफसोस अब्बास के दोनों बाजू कलम हो गए, एक तीर ने आके मश्क सकीना को छेद दिया, अब्बास की हसरतों पर पानी फिर गया, घोड़े से जमीन पर आए, ए आका मेरा सलाम लीजिए, हुसैन ने कमर को पकड़ लिया, अरे मेरे भैया अब्बास, अरे मेरे बाजू की ताकत,
तुम दुनिया से चले गए, अपने भाई को अकेला छोड़ गए। वाह बासा, अरे मेरे भैया, अरे मेरे बाजू की ताकत अब्बा।